आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं पांच ऐसे जादुई शब्द जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देंगे। जितने भी इस दुनिया में महान लोग हुए हैं उन्होंने इन्हीं पांच शब्दों पर काम किया है। जाने अनजाने में हर व्यक्ति इन पांच शब्दों को अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करता है, और जितने भी लोग असफल होते हैं, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, उन लोगों में इन्हीं पांच शब्दों की कमी होती है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से शब्द है जो आपको नहीं पता, आपने इतने सारे वीडियो देख लिए। लेकिन आज मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि ये शब्द आपने यदि सुने भी होंगे तो इन पर इतनी डिटेल में आपने नहीं सोचा होगा, और यदि सोच लेते तो आपको इस प्रकार के वीडियो को देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। और आज हम सीखेंगे उन पांच शब्दों का राज जो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले शब्द की। सबसे पहला जादुई शब्द है पेशेंस, मतलब धैर्य। उस समय तक इंतजार करना जब तक कि आपको वो चीज ना मिल जाए जिसे आप पाना चाहते हैं। जब आपने अपने जीवन में बहुत दूर का लक्ष्य बना रखा हो और बहुत कठिन परिस्थितियां आ रही हो, उस समय में अपने आप को बनाए रखना ही धैर्य कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बगुले को जब शिकार करना होता है, जब मछली को पकड़ना होता है, तो वो हर बार चोंच को पानी में नहीं डालता है। क्या करता है? वो धैर्य के साथ इंतजार करता है, और जैसे ही उसे लगता है कि उसका लक्ष्य उसके सामने है और उसे पाने के लिए उसे अटैक कर देना चाहिए, बगुला करता है और वो अपने लक्ष्य को पा लेता है। जैसे मगरमच्छ करता है, वो हर समय इधर उधर मुंह नहीं मारते रहता है कि वो उसके लक्ष्य को पा लेगा, लेकिन वो क्या करता है, वो धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ वेट करता है, इंतजार करता है, एक जगह पर पड़ा रहता है, और जैसे ही उसे लगता है कि अब सही समय है अटैक करने का, उसी समय वो आक्रमण करता है। जैसे आपने शेर को देखा होगा, वो भी हर कभी आक्रमण नहीं करता रहता है, वो भी धैर्य के साथ एक जगह पर बैठे रहता है, अपने शिकार को ताकते रहता है। जब उसे लगता है कि वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तभी वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस लक्ष्य का पीछा करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला गोल्डन रूल सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम किसी भी काम को करते समय या फिर करने के बाद धैर्य ही नहीं रख पाते हैं। मान लीजिए कि हमने कोई एग्जाम दी है, अब उसमें क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, हम अपना धैर्य खो के पहले ही इंपेशेंट हो जाते हैं। थोड़ा सा सोचकर देखिए कि यदि ये जंगली जानवर भी हमारी तरह धैर्य ही ना रखे, जल्दी जल्दी किसी भी चीज को पाने की कोशिश करे, तो क्या उन्हें उनका शिकार मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और वो हमेशा के लिए भूखे ही रह जाएंगे। इसलिए आपको उन जंगली जानवरों से सीखना चाहिए कि कितने धैर्य के साथ, कितने पेशेंस के साथ वो किसी लक्ष्य का इंतजार करते हैं और उसके बाद उसे पाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि किसी सफल व्यक्ति के कठिन समय में ही उसका व्यवहार दिखाता है कि उसका चरित्र कैसा है। और जितने भी सफल लोग होते हैं उनके अंदर पेशेंस की कला तो होती ही है, उनके अंदर धैर्य रखने की क्षमता तो होती ही है। अब कई बार मैं धैर्य को लेकर एक उदाहरण जरूर देता हूं कि एक बंदर रहता है जो कि जमीन में एक आम की गुठली मिलने पर उसे गाड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि इससे आम का फल निकलेगा। लेकिन 5-10 मिनट के बाद ही वो अपना धैर्य खो बैठता है कि जमीन से अभी तक पौधा क्यों नहीं निकला, आम क्यों नहीं बन रहे हैं, और उस वो गड्ढे को खोद लेता है और गुठली को निकाल कर देखता है। उसे लगता है कि यार शायद गड्ढा खराब हो सकता है। थोड़ी दूर जाता है, एक और गड्ढा खोदता है, वहां पर फिर से उसी गुठली को गाड़ देता है। आधा घंटा इंतजार करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता है तो उसे लगता है कि शायद गुठली ही खराब है, और वो उसे फेंक देता है और अपनी मस्ती में लग जाता है। सोचकर देखिए कि यदि हमारे दादा दादी ने, नाना नानी ने बिल्कुल भी सब्र नहीं रखा होता, तो क्या आज हम जो भी फल खा रहे हैं, जिनके हम गुणगान करते हैं कि मेरे दादाजी ने ये फल लगाया था या ये आम का पेड़ लगाया था, देखो कितने स्वादिष्ट फल है, क्या वो हम खा पाते? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहला गोल्डन शब्द जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी काम को करने से पहले या काम को करने के बाद भी कई बार हमें धैर्य रखने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और आप में इसी चीज की कमी होती है, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे पहला गोल्डन शब्द है धैर्य या पेशेंस, उसे आपको याद रखना है। दूसरा शब्द शायद आपने नहीं सुना होगा, इसे कहते हैं फोर्टिट्यूड, मतलब सहनशीलता या जुझारूपन। इसका मतलब क्या होता है उसे समझिएगा। कठिन समय में, जब भी आपके जीवन में कठिन समय आए, तो उस परिस्थिति में अपने आप को बनाए रखना, उस कठिन समय को या संघर्ष के समय को शांति के साथ झेलने की जो क्षमता होती है ना, उसे ही कहते हैं फोर्टिट्यूड या फिर सहने की क्षमता। अब देखिए, कई लोगों में ये क्षमता होती ही नहीं है, आप में भी शायद नहीं होगी, या आपके आस पड़ोस में भी आपने कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो इस गोल्डन रूल को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं क्यों सहूं, मैं क्यों झेलूं, मैंने तो बहुत झेला है, अब मैं नहीं झेलूंगा या नहीं झेलूंगी, और उसी चक्कर में उनके जीवन में कई सारी कठिनाइयां आती है। ये शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी लोग सफल बने हैं उनमें एक तो पेशेंस था बहुत ज्यादा, लेकिन उससे भी ज्यादा था झेलने की क्षमता या सहने की क्षमता। अब देखिए, हमारे समाज में ही बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर लोग सह ही नहीं पाते हैं। कोई एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट थोड़ा खराब आया तो आत्महत्या कर लेते हैं। कोई लड़का किसी लड़की से बहुत प्रेम करता था, उस लड़की ने उसे मना कर दिया तो उसने उसकी जान ले ली,
क्या है? आपको लगता है कि इन लोगों के अंदर सहने की थोड़ी भी क्षमता है? क्या ऐसे लोग अपने जीवन में कभी सफल भी हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि फोर्टिट्यूड मतलब सहने की क्षमता जो है या जुझारूपन जो है वो उनके अंदर है या फिर नहीं है। आपके जीवन में भी कई सारी समस्याएं आती होगी, कई सारे चैलेंजेस आते होंगे, और आपको क्या लगता है कि सफल लोगों के जीवन में चैलेंजेस नहीं आते हैं? हमारे जीवन से कहीं गुना ज्यादा जो चैलेंजेस है वो उनके जीवन में आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको ये गोल्डन शब्द पता है कि ऐसे टाइम में हमें सहनशील बनना है, हमें सहते रहना है, लेकिन हमारा वक्त आएगा। अच्छे काम करते रहना है, हमारा वक्त आएगा। वो अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहते हैं। और इसे ठीक करने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े काम नहीं करना है, बहुत छोटे छोटे से कामों से शुरुआत करना है। कई बार हमारे घर में लाइट चली जाती है, हमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है और हम उस गर्मी को सह नहीं पाते हैं और इतना ज्यादा गर्मी को लेकर बातें करते रहते हैं, अरे बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं क्या करूं, मैं सह नहीं पा रहा हूं, मुझे यहां जाना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए, ये लाइट जल्दी क्यों नहीं आ जाती है। आपने शायद कई बार ऐसा कहा होगा या किसी को कहते हुए सुना होगा। ऐसे लोग सह नहीं पाते हैं, और जितने भी सहनशील लोग देखे होंगे आपने, यदि गर्मी पड़ रही है, उन्हें पता है अभी लाइट नहीं आ सकती है, नहीं आ रही है, तो वो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। कई लोगों को थोड़ी सी भूख भी सहन नहीं होती, उन्हें लगता है अरे मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा है, मैं इस धरती पे आया हूं तो मुझे खाना तो मिलना ही चाहिए, ये तो मेरा अधिकार है। थोड़ी सी भूख भी उन्हें सहन नहीं होती है। किसी को कोई व्यक्ति थोड़ा सा डांट देता है तो वो सहन नहीं कर पाता है। अरे ऐसे छोटी छोटी सी चीजों को सहने जब सीखेंगे तो आपको धीरे धीरे लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें भी झेलना आ जाएंगी, और जब आप झेलते जाएंगे तो जितना आप ज्यादा झेलेंगे उतने ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। जबकि कई लोगों को लगता है कि झेलने से किसी व्यक्ति में कमजोरी आती है। हाँ, गलत चीज यदि आपके साथ हो रही है, यदि आप उसे झेल रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, लेकिन इस प्रकार की चीज जिसमें आप ज्यादा मजबूत होते हैं उसे तो आपको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि सफलता का पार्ट आपको झेलना तो सिखा ही देगा, और यदि आप नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर आप असफल ही रहेंगे। कई बार आप सुनते होंगे कि गांधी जी ने एक बात कही थी कि कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दो। वहां पर वो यही कहना चाहते थे कि आप सहनशील बन जाओ, सामने वाले के अंदर प्रेम दिखाने की कोशिश करो, शायद उसे आज नहीं तो कल ये एहसास हो जाएगा और वो आपसे जरूर शर्मिंदा होकर बात करेगा। बुद्ध के साथ भी एक बार ऐसे ही घटना घटी थी कि कोई व्यक्ति को उनका प्रवचन ठीक नहीं लग रहा था और उनके मुंह पर आकर वो थूक कर चला गया, लेकिन बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं कहा और मुस्कुराते रहे। अगले दिन उस व्यक्ति को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ और बुद्ध के पास वापस आया और उनके चरणों में गिर गया। अब देखिए, जब भी आप सहनशील बनते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर आप पर तो होता ही है, लेकिन पूरे समाज पर, पूरी दुनिया पर भी उसका असर होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो दूसरा गोल्डन रूल याद रखिएगा या शब्द याद रखिएगा, जो कि है फोर्टिट्यूड, मतलब आपको सहनशील बनना है। तीसरा जो गोल्डन का भी गोल्डन शब्द है उसे कहते हैं परसिस्टेंस, और इसका हिंदी मतलब होता है निरंतरता। ये गोल्डन का भी गोल्डन शब्द क्यों है, क्योंकि इसके अंदर दो शब्द एडेड है। पहला है पेशेंस मतलब सब्र या फिर धैर्य, और दूसरा है सस्टेन्ड एफर्ट मतलब अपने आप को कठिन परिस्थितियों में बनाए रखना, जो कि लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे ही थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आती है वो निकल लेते हैं, लेकिन उसी समय में यदि आप अपने आप को बनाए रखते हैं इसका मतलब होता है कि निरंतरता के साथ काम करते रहते हैं तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपने कई बार उदाहरण सुना होगा कि एक पत्थर पर भी यदि पानी की बूंद बार 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 पड़ती है तो वहां पर भी छेद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस पर निरंतरता का वो रूल फॉलो हो रहा है। ये गोल्डन शब्द जो है वहां पर लग रहा है और वो चमत्कार दिखाता है। खरगोश और कछुए की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, कई लोगों से सुनी होगी। क्या मतलब है उसका? क्या समझाना चाहते हैं वो? कि आप कुछ भी हो जाए, चाहे धीरे चले, लेकिन परसिस्टेंस मतलब निरंतरता के साथ काम करते रहे। आपने भाग मिल्खा भाग मूवी में भी जरूर देखा होगा कि उसे पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी रहती है, उसे दौड़ते भी नहीं बनता है, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी कोशिश करता है, वो पूरी जान लगा देता है कि कुछ भी हो जाए मैं भागूंगा, मैं दौड़ूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। इसका क्या मतलब हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं निरंतरता को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें एक शेर एक भालू के छोटे से बच्चे का शिकार करने के लिए उसका बहुत पीछा करता है, लेकिन वो बच्चा हार नहीं मानता है। हर व्यक्ति को लगता है कि आज तो ये शेर इस भालू के बच्चे को खा जाएगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं आता है और निरंतर आगे बढ़ते रहता है। और उसके बाद उसके सामने आ जाती है उसकी माँ, जिसका शरीर विशालकाय होता है, और वो शेर उससे डर के भाग जाता है। ये प्रभाव सिर्फ निरंतरता का ही है कि वो बच्चा अपने आप को बचाता रहा और उसी चक्कर में वो बच गया। यदि वो ऐसा नहीं करता तो वो पहले ही मारा जाता। जैसे कई असफल लोगों के साथ होता है कि वो निरंतरता के साथ प्रयास ही नहीं करते हैं और शुरुआत में ही हार मान लेते हैं, इसलिए वो हार जाते हैं। अगला जो गोल्डन शब्द है उसके अंदर और भी शब्द मिले हुए हैं, जिसे कहते हैं परसेवरेंस मतलब लगन के साथ काम करना या फिर लगन।
इसके अंदर परसिस्टेंस तो आ ही जाता है, लेकिन आ जाता है सस्टेन्ड सेल्फ मोटिवेशन। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप मोटिवेशन को ढूंढते हैं यहां वहां, हमारे वीडियो में, उनके वीडियो में, और आपको जब जब ये वीडियो देखते हैं उतनी देर तो बड़ा मोटिवेशन रहता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, लेकिन जैसे ही ये खत्म होते हैं आपकी वो मोटिवेशन चली जाती है, फिर से आपको देखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक सफल व्यक्ति कौन होता है? जिसके अंदर परसिस्टेंस होता है प्लस सस्टेन्ड सेल्फ मोटिवेशन होता है। उसे अपने आप को मोटिवेशन देने के लिए पता होता है कि उसे क्या करना है, उसे सब कुछ पता होता है, सिर्फ देर होती है, सब्र रखता है कि वो चीज उसे कब अचीव हो जाएगी, उसके बाद वो अपने अगले लक्ष्य पर लग जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, आपको कोई भी व्यक्ति ज्यादा समय तक मोटिवेटेड नहीं रख पाएगा, और उसके लिए आपको एक महान लक्ष्य को बनाने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि आपका लक्ष्य इतना छोटा होता है कि उसके लिए आपकी मोटिवेशन ही नहीं निकलती है, और कभी कभी आपका लक्ष्य इतना बड़ा हो जाता है कि आपको खुद ही लगने लगता है कि कभी मैं इसे अचीव ही नहीं कर सकता। इसलिए वहां पर सेल्फ मोटिवेशन की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब देखिए मोटिवेशन को भी यदि हम दो कैटेगरी में बांटे तो दो बार आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। एक बार तब पड़ती है जब आप कोई बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मोटिवेशन चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको कहीं पर स्पीच देने जाना है और उससे पहले आपको धुक धुक हो रहा है, आपको कपकपी छूट रही है, आपको डर लग रहा है, उस समय आपको एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि आपको एकदम से किसी ने कहा कि अब आपको 1000 लोगों के सामने, 500 लोगों के सामने या 10 लोगों के सामने गाना गाना है, उसके पहले आपको कुछ कुछ होगा। देखिए कभी कभी आप एग्जाम देने भी जाते हैं और देने के पहले आपने तैयारी भी खूब की होती है, लेकिन उसके पहले भी आपको कुछ कुछ होता है, तो इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। तब आप कोई गाना सुन सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं, या फिर किसी अच्छी किताब को पढ़ सकते हैं, और उस समय आपको इंस्टेंट एक मोटिवेशन मिलेगा। कोई वीडियो देख सकते हैं, उससे तुरंत आपको एक किक मिलेगी और आप उस काम को कर जाएंगे जो कि आप करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब आप लंबे समय के लिए मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन ही काम आएगा। जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप पीईटी कर रहे हैं, पीएमटी कर रहे हैं, आप पायलट बनना चाहते हैं, आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, इस प्रकार की कोई भी चीज करना चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म मोटिवेशन चाहिए रहेगा। और आप यदि सोचेंगे कि आप छोटी छोटी सी चीजों को, कोई वीडियो देख के, रोज वीडियो देख के या गाने सुन के आपको मोटिवेशन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। वहां पर आपको लगन के साथ ही काम करना होगा, मतलब परसेवरेंस को अपने अंदर लाना ही होगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहना ही होगा, और आपको खुद के तरीके बनाना होगा कि मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रख सकता हूं लंबे समय के लिए। और लास्ट लेकिन आपके जीवन को बदल कर रख देने वाला शब्द, जिसे कहते हैं हम डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ संकल्प, ये परसिस्टेंस का मानसिक रूप होता है। अब देखिएगा कि आप फिजिकली किसी चीज को करते हैं, उससे पहले किसी भी चीज को मानसिकता में लेकर आते हैं। आप सबसे पहले सोचते हैं कि मैं इस काम को करूंगा, करके दिखाऊंगा और करता रहूंगा, लेकिन उससे पहले दृढ़ संकल्प के साथ आपको उस चीज को अपने अंदर उतारना होगा, अपने दिमाग में उतारना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस चीज से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कितनी भी एफर्ट लगाना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, लेकिन मैं इसे करके दिखाऊंगा। और इसी दृढ़ संकल्प की कमी होती है जिसके कारण कई लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये 5 गोल्डन शब्द जिसने लिख लिए, याद कर लिए और इसे फॉलो कर लिया, उसके जीवन में सफलता से कोई उसे नहीं रोक सकता। वो कभी पीछे नहीं रहेगा, और जब जब पीछे रहेगा, इन 5 शब्दों को देख लेगा, वो फिर से मेहनत करना चालू कर देगा और वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इन 5 शब्दों में से किन किन पर आप काम करने वाले हैं आज से, अभी से, इसी वक्त से, और अपने जीवन को बदल कर रख देंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।